सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की ड्राइंग क्लास में हम विषय वस्तु चित्रण में ड्राइंग बोर्ड बनाना सीखेंगे। पिछली क्लास में किताब के ऊपर सेब का चित्र बनाना मैंने सिखाया था। तो शुरुआत करते हैं हम शीट पे बॉर्डर लगाकर। बॉर्डर लगाने के लिए आप ड्राइंग बोर्ड या ड्राइंग शीट के किनारे का इस्तेमाल आप करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे लगभग आपने 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर लेना है, तो शीट को आप किनारे के साथ बिल्कुल मिला के रखें और पेंसिल को इस तरह पकड़ें, ये उंगलियाँ आपकी किनारे पे स्लाइड होनी चाहिए। जितना आपने बॉर्डर लेना है उतनी आगे तक आप पेंसिल निशान लें और इसे नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए आप लाइन लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई अधिक है या उसकी ऊंचाई अधिक है। तो जैसे हम ड्राइंग बोर्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी लंबाई अधिक है, तो हम शीट को लंबाई की तरफ इस्तेमाल करेंगे। पेपर डिवीजन के लिए हम अपने ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसको मेजर करेंगे। यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट की जो लंबाई, कुल लंबाई आ रही है एक किनारे से दूसरे किनारे तक, वो लगभग इतनी आ रही है। तो इसके हम 3 गुना निशान लेंगे। आगे जो स्पेस बच गया, हमारे पास जो जगह बच गई है, उसके हम 2 बराबर हिस्से करके एक हिस्सा हम लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, अब हम इसको एक सीधी लाइन से मिला देंगे। लाइनें लगाने के लिए आप स्केल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि स्टिल लाइफ में हम किसी भी तरह के जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब लाइनें लगाने के लिए केवल किनारे की सहायता से ही आप लाइनें लगाएं। ये हमारे साइडों में 2 स्पेस बन गए। इसके बीच में अब हम इसको हाइट वाइज मेजर करेंगे। तो ड्राइंग बोर्ड की जो कुल ऊंचाई है ग्राउंड से लेकर टॉप तक, वो लगभग इतनी आ रही है। तो इसको भी हम 3 गुना लेंगे और 3 गुना लेने के बाद जो आगे स्पेस बच जाती है उसके हम 3 भाग करेंगे। लगभग 1 भाग के जितना हम नीचे निशान लेंगे और 2 भाग के जितना हम ऊपर रखेंगे। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट की पेपर डिवीजन हो गई है। पेपर डिवीजन के लिए आप चैनल में जाके किताब के ऊपर सेब वाली जो वीडियो है उसको जरूर देखें। उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि हम पेपर डिवीजन किस तरह करते हैं और माप हम किस प्रकार लेते हैं। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट की लंबाई माप कर उससे 3 गुना हम लेंगे, 2 और 1 3। तो ये हमारा नियरेस्ट पॉइंट है। इस तरफ ऑब्जेक्ट की लंबाई है, जो ड्राइंग बोर्ड की लंबे वाली जो साइड है वो इस तरफ है और चौड़ाई वाली जो साइड है वो इस तरफ बनेगी। तो इसके बाद हम इसकी चौड़ाई वाली साइड की हाइट मेजर करके उसको भी हम 3 गुना लेंगे। तो इसकी 3 गुना 2 और 3, लगभग यहाँ इसका 3 गुना यहाँ पर आ रहा है। और जो इस साइड से इसकी ऊंचाई है, जो जिस एंगल पे इसका कॉर्नर जो किनारा जो है उठा हुआ है, उसको भी हम माप कर 3 गुना ही लेंगे। ये थोड़ा अधिक है इस तरफ से। तो इस तरह हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, 1, 2 और 3। अब इनको हम मिला लेंगे उनको सीधी रेखा में। अब सीधी रेखाएं खींचने के लिए आप फ्री हैंड इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। इस बिंदु पर एक सीधी रेखा लेकर हम ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से 3 गुना यहाँ पर ऊंचाई लेंगे, जो लगभग इतनी आ रही है। और इसी प्रकार यहाँ पर थोड़ा सा कम और थोड़ी सी कम जगह इस तरफ हम रखेंगे और इनको आपस में मिला लेंगे। ड्राइंग बोर्ड के 3 किनारे हमने ड्रॉ कर लिए हैं। चौथा किनारा ड्रॉ करने के लिए हम इस साइड को और इस साइड को आपस में एक सीधी लाइन में हमें इसको मिलाना है।
उसके हम दो बराबर भाग करेंगे, जिनको आप पेंसिल से माप के इस रेखा को दो समान हिस्सों में बांट लें। यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को हम इस तीसरे किनारे से जो हमारे सबसे नज़दीक है मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। अब हम इस पॉइंट से नीचे वाले भाग के चार बराबर हिस्से करेंगे, तो इस तरह हमारे पास 1, 2, 3, 4 चार बराबर भाग हो गए। चार में से हम केवल तीन भाग लेके इसी रेखा में निशान लेंगे। ये हमारा चौथा किनारा है, तो इसको हम यहाँ से सीधी रेखा में मिलाएंगे और यहाँ से तरह ड्राइंग बोर्ड की एक ड्राइंग हमने बना ली है। अब हम जो रफ लाइंस हैं इनको इरेज करके इसमें शेडिंग करेंगे। शेडिंग के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट में जो लाइट है वो हमारे लेफ्ट साइड से पड़ रही है और किस तरफ से इसकी परछाई बन रही है, तो हम इस तरफ थोड़ा लाइट ऑन से शुरुआत करेंगे शेडिंग की और इस तरफ को हम परछाई की जो शेप है उसको ड्रॉ करके उसको थोड़ा डार्क टोन दे देंगे। तो शेडिंग करने के लिए आप 2B या 4B पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ थोड़े डार्क टोन में आपने शेड करना है उस जगह पे आप 4B पेंसिल का इस्तेमाल करें, और जिस जगह पे हम लाइट ऑन में शेडिंग यूज करेंगे उस जगह आपने HB या 2B की पेंसिल इस्तेमाल करें। इस साइड हमें काफ़ी डार्क नज़र आ रही है ड्राइंग बोर्ड में, इसको हम थोड़ा डार्क करेंगे। 4B ग्रेड की पेंसिल है, इससे आप धीरे धीरे अपने शेडिंग करेंगे। शेडिंग को आप काफ़ी समय दें। ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखते हुए कोशिश आपने यह रखनी है कि जितनी डार्क टोन में आपको ऑब्जेक्ट में शेडिंग दिखाई दे रही है आप उसे उसी टोन में डार्क करें। इसके नीचे ड्राइंग बोर्ड की जो परछाई हमें दिख रही है वो इससे भी डार्क टोन में है, तो हम उसको थोड़ा ज़्यादा डार्क टोन ड्राइंग बोर्ड की ये वाली साइड हमें थोड़ी लाइट नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आप शेडिंग के लिए कोई लाइट पेंसिल इस्तेमाल करें जैसे 2B या HB की, और शेडिंग आराम से करें ताकि इसमें पेंसिल के स्ट्रोक्स नज़र ना आए। अब हम इसके फ्रंट साइड में थोड़ा लाइट टोन में हम शेड अप्लाई करेंगे। इसलिए हमें ज़्यादा डार्क नहीं दिखाई दे रही है, इसमें हम एक हल्का सा टोन शेड का अप्लाई करेंगे। इस प्रकार ऑब्जेक्ट की शेडिंग को आप ऑब्जर्व करते हुए उसको ध्यान से करें और शेडिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा समय आप निकालें। अब हम इसमें एक लाइट सा टोन ग्राउंड में अप्लाई करेंगे और इसी के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा।
आज की क्लास में हमने सीखा कि हम ड्राइंग बोर्ड किस प्रकार ड्रॉ करते हैं और उसमें किस तरह हम शेडिंग अप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ।